सब्सक्राइब कीजिए मार्ग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कैसे आप बैच विंडो में फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि कैसे आप बैच विंडो में फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन इनेबल करके फ्री क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे अगर किसी आइटम के एक या एक से ज़्यादा बैच हैं और सपोज आप अलग अलग बैच पर अलग अलग फ्री क्वांटिटी सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आइटम है एक्ने डर्म लॉट जिसके दो बैच हैं और अब अगर आप इस आइटम के एक बैच पर दो के साथ एक आइटम फ्री देना चाहते हैं और दूसरे बैच पर पाँच के साथ एक आइटम फ्री देना चाहते हैं तो इसके लिए आप सॉफ्टवेयर में फ्री क्वांटिटी ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। तो आइए सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे, देन फ्री रिक्वायर्ड सर्च करके एक्सेप्ट कर देंगे। देन यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑन सेल्स, इसे येस करते हैं एंड देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। इसके बाद अब आइटम्स विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे, फिर आइटम सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे, देन बैच डिटेल्स सिलेक्ट करेंगे और अब जिस बैच पर आप फ्री क्वांटिटी सेट करना चाहते हैं उस बैच पर F3 की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से बैच डिटेल विंडो ओपन हो जाएगी और अब जैसे अगर हम यहाँ फ्री क्वांटिटी मेंशन करते हैं तो आप देखेंगे कि कर्सर फ्री की फील्ड पर नहीं आया है और डायरेक्टली नेक्स्ट फील्ड पर आ गया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी यहाँ मास्टर सेट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल रूम पर आएंगे, देन बैच पर आएंगे और बैच सेटअप को एक्सेप्ट कर देंगे। फिर अब आप यहाँ पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है फ्री डील फ्रॉम और इसे आप यहाँ बी सेट कर देंगे, देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करते हैं आइटम्स विंडो के लिए, फिर आइटम सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करते हैं, देन बैच डिटेल्स सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे इस फर्स्ट बैच पर F3 की प्रेस करते हैं और अब एंटर की प्रेस करके फ्री फील्ड पर आते हैं तो अब आप देखेंगे कि कर्सर फ्री फील्ड पर आ गया है और अब आप यहाँ फ्री स्कीम सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ एंटर करते हैं 2+1 और पेज डाउन की प्रेस करते हैं, इसी तरीके से सेकेंड बैच पर F3 की प्रेस करते हैं और इस बैच के लिए भी फ्री क्वांटिटी मेंशन करते हैं 5+1। तो इस तरह से आप बैच विंडो पर फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन इनेबल करके फ्री क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं। देन अब पेज डाउन की प्रेस करते हैं और आप देखेंगे जो डील या फ्री स्कीम हमने सेट की है वो यहाँ भी आपको शो हो जाती है। इसके बाद अब जैसे अगर आप बिल जनरेट करते हैं, पार्टी सिलेक्ट करते हैं, देन आइटम सिलेक्ट करते हैं, फिर जिस बैच की आइटम सेल करना चाहते हैं वो बैच सिलेक्ट करेंगे, देन क्वांटिटी एंटर करते हैं लाइक 2 मेंशन करते हैं और जैसे ही क्वांटिटी मेंशन करते हैं आप देखेंगे 2 के साथ एक आइटम फ्री की स्कीम अप्लाई हो गई है। इसके बाद अब टैब की प्रेस करके बिल को सेव करते हैं। तो इस तरीके से आप बैच विंडो में फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि कैसे आप बैच विंडो से फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम पर आएंगे, देन फ्री रिक्वायर्ड सर्च करके एक्सेप्ट कर देंगे एंड देन यहाँ फ्री क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑन सेल्स, इसे नो कर देंगे एंड देन एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। और इसके बाद जब आप आइटम्स विंडो से बैच डिटेल पर आते हैं तो आप देखेंगे फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन डिसेबल हो गया है। तो इस तरीके से आप बैच विंडो में फ्री क्वांटिटी का ऑप्शन इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। Thanks for watching.